हमारे बीच में नत्थू प्रसाद जी जो कामरेड हैं और इनको कामरेड नत्थू प्रसाद जी कहा जाता है और ये दलितों की बात बड़े पैमाने पर उठाते हैं और कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट होने के नाते अपनी जो दलित समाज की बात बड़े पैमाने पर उठाते हैं। आज मजदूर दिवस है, आज मजदूर दिवस पर हम इनसे जानकारी लेते हैं। सर, आज पूरे देश के अंदर मजदूरी को लेकर या आज पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है? देखिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। इस मई दिवस पे अब की मरतबा 2018 में एक चीज़ और जोड़ लीजिए आप जी, वो चीज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग का जो ये एक सादत का जो दिन है, इसमें दलितों की जो समस्याएं वो जुड़ गई हैं जी हिंदुस्तान के अंदर जी। और जब से मोदी जी की सरकार आई है, इन चार सालों में जितना उत्पीड़न, शोषण, मनुवाद और तमाम पुराण पंथियों ने जो हमला अटैक किया है, ये बहुत ही शर्मनाक जो दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आज हम एक प्रेरणा के तौर पे कि आगे आने वाले दिनों में इन चुनौतियों का किस ढंग से मुकाबला कर सकते हैं, और मुकाबला वो है एकजुटता दिखा करके जी। और एकजुटता जो है, संवैधानिक ढांचों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जो हमारी नेशनल वैल्यूज हैं उनको डिस्ट्रॉय करा जा रहा है, जो हमारे परंपरागत जो काम धंधे थे उनको ख़त्म किया जा रहा है, और नव उदारवादी नीतियों के माध्यम से ये बेरोजगारी और ये तमाम जो चीज़ें जो है फैल रही हैं, इसका हम एकजुटता के माध्यम से ही हम मुकाबला कर सकते हैं। कॉमरेड जी, अभी आपने देखा कि मोदी जी ने लाल किले को ही गिरवी रख दिया, धरोहर है, ये धरोहर है हमारी, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐतिहासिक आप यहीं तक सीमित रही है, अभी बहुत सारी चीज़ें जाएंगी, अगर नहीं जागे बहुत सारी चीज़ें जाएंगी इसमें कोई। तो सर, इनको कैसे रोका जाएगा? एकमात्र रास्ता है, जनता की जनवादी चेतना को आगे बढ़ाओ संघर्षों के माध्यम से, मतलब किसी बड़ी पार्टी से कृत्रिम स्वांस लेकर के ये नहीं बढ़ाया जा सकता जी। ये होगा जनता के आंदोलनों के माध्यम से ही हम इनको आइसोलेट कर सकते हैं, यही एक तरीका, और दूसरा कोई विकल्प बन ही नहीं सकता।